नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है आपका 7 जुलाई, और 7 जुलाई को आपका आई ए आर ई टेक्नीशियन का री एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी आपका समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमने आपको चढ़ा दिया था यूट्यूब पर, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, वीडियो चढ़ा होगा। आज भी हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या आपके प्रश्न पूछे गए थे, वो भी आपके अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, उनके लिए अंग्रेजी में वीडियो बनाया जाता है। तो जिसका जो टाइमिंग था आपका 12:32 2 PM तक का था, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आप लोग का बहुत सवाल आ रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे, इस तरह अटेंडेंस है जो कि कितना परसेंट रहा है। तो अटेंडेंस बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में मिलाकर टोटल आपका 32-35% जो अटेंडेंस है दोस्तों आपका जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही मालूम होगा, जो आपका एग्जाम हुआ था पहले फरवरी में, वो दोस्तों बहुत ही हार्ड पूछ दिया गया था। यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट डर के भी एग्जाम है जो कि छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पहले की अपेक्षा तो क्वेश्चन आपका नॉर्मल ही पूछा जा रहा है, लेकिन हार्ड ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 30 से 35% आपका अटेंडेंस है जो कि अभी देखा गया है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को मिलाकर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द गोबी डेजर्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुचेता कठेनाकर, ठीक है। कठिन ठानकर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं गोबी डेजर्ट के बारे में, तो ये दोस्तों पड़ता है मंगोलिया में, और ये आपका एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। तो आपका सुचेता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि हु हैज़ बिन मेड द न्यू चीफ ऑफ रो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सीनियर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। रो की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो दोस्तों आपका रो का फुल फॉर्म आपका होता क्या है, तो रॉ का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो होता है द रिसर्च, ठीक है। द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है इसका। फाउंडर फाउंड की बात करेंगे, ये फाउंड कब किया गया था, किशोर, तो आपका 1968 में फाउंड किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर होता है वो दोस्तों आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ट्रॉफी इज ऑन बाई GNDU यूनिवर्सिटी 2021 to 2022। पहले बात तो GNDU कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो GNDU का जो फुल फॉर्म होता है आपका क्या होता है, गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसका आपका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो विजेता बने हैं आपका माका ट्रॉफी के विजेता बने हैं, और माका जो ट्रॉफी है इसका जो फुल फॉर्म होता है, एम से दोस्तों आपका मौलाना होता है, ए से दोस्तों आपका अब्दुल होता है, के से कलाम, और ए से दोस्तों आपका आज़ाद हो जाता है। यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है जो कि GNDU यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के द्वारा जीता गया है। हम लोग माका ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये जो माका ट्रॉफी है फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो फर्स्ट आपका 1957 में दोस्तों आपका ये दिया गया था, और ये उस साल से, ठीक है, उस साल से आपका प्रत्येक वर्ष आपका 29 अगस्त को ये जो ट्रॉफी है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच मसल्स पुश फूड आउटवर्ड, तो स्पाइंचर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइंचर्स मटल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज़ बीन ऑन संतोष ट्रॉफी 2022 2023, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज़ द फाउंडर ऑफ द वकाटक डेंसिटी इन द 3rd सेंचुरी, तो वकाटक जो आपका डेंसिटी है उसका जो स्थापना है वो किसने किया था, तो आपका विंध्य शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर लें कि कब किया था, यानी कि वेन, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 265 ईस्वी में किया गया था। इसके जो फेमस आपके जो राजा हुए, किंग हुए, वो दोस्तों आपका परवर्षण, ठीक है, परवर्षण आपके प्रथम जो हैं इसके महान शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द फॉर्मूला नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला नेम होता है वो दोस्तों आपका NaHCO3 हो जाता है, और बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट इस बेकिंग सोडा को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं आपका धावन सोडा का, यानी कि धोने का सोडा का, तो उसको कहा, इसका जो स्रोत होता है Na2CO3 होता है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ नोकिया लोकेटेड, तो इसका जो राइट आंसर है आपका फिनलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट का जो फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट इंटू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द कामागाटू मारू। ठीक है, तो कामागाटू मारू ये क्या है? तो ये दोस्तों आपका एक सीप है जो कि आपका कनाडा के यात्रा पे जो कि गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के दोस्तों चार कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका M1 होता है, दूसरा आपका M2 होता है, और तीसरा दोस्तों आपका M3 होता है, और चौथा आपका M4 होता है। इसको दोस्तों आपको कौन वर्गीकृत किया था? तो दोस्तों आपका RBI के द्वारा पहली बार लाया गया था 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स इशूड कॉपर कॉइन्स जित्तल एंड टंका। ठीक है, जित्तल एंड टंका भी आपका ऑप्शन में था और क्वेश्चन में था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? तो ये आपका जो गुलाम डेंसिटी का आपका सेकंड शासक था, मान के चलिए सेकंड ही था। तो जो आपका ये दोनों कॉइन को क्या क्या था इशू किया था, जो जित्तल था, जित्तल में दोस्तों आपका तांबा का धातु यूज होता है, और आपका जो टंका था वो आपका चांदी चांदी का था। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, सो शेड्यूल्ड ट्राइब का ये आपका पॉपुलेशन पूछा गया था जो कि आपका 8.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट की हम लोग बात करते हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट का जो आपका क्या था पॉपुलेशन था वो दोस्तों आपका 16.6% था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, शेड्यूल ट्राइब का 8.6 और शेड्यूल कास्ट का 16.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकम द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। ठीक है, तो आफ्टर अकबर जो मुगल एम्पायर था वो आपका जहांगीर था, जिसका शासनकाल की बात करें, इसका जो शासनकाल था 1605 to 1627 तक इसका शासन था। इसके अलावा हम लोग मुगल एम्पायर की बात करेंगे, तो मुगल जो एम्पायर है जिसका जो स्थापना है किसने किया था, तो ये आपका बाबर ने किया था। बाबर ने किया था, कब किया था? 1526 में, और 1526 से 1530 तक ये आपका ये शासन पर था। इसके बाद आपका इसका पुत्र आता है हुमायूं, जिसका जो शासनकाल है आपका 1530। ठीक है, 1530 से 1540, ठीक है, एक टर्म तक ये रहता है। फिर 1540 में आपका सूर्य साम्राज्य का स्थापना होता है, शेर शाह सूरी इसको हरा कर भारत से भगा देता है, तो 15 साल वो शासन करता है। फिर आपका ये हुमायूं फिर से आता है 1555 में, इसके बाद 1556 तक शासन करता है। ठीक है, इसके अलावा हुमायूं के बाद दोस्तों आपका कौन आता है? ठीक है, तो हुमायूं के बाद बात करेंगे तो आपके आपका आता है अकबर, जो कि आपका कब से कब तक शासन करता है, तो 1556 से आपका जो 1556 से आपका कब तक शासन करता है, तो 1556 से दोस्तों आपका 1556 से लेकर आपका 1605 तक। ठीक है, 1605 तक ये शासन करता है। अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर, जो कि दोस्तों आपका 1605 से 1627 तक ये शासन करता है। जहांगीर के बाद आपका आता है शाहजहां, जो कि 1627 से 1658 तक शासन करता है। जहांगीर के बाद आता है आपका औरंगजेब, जो कि 1658 से आपका 1707 तक ये आपका शासन करता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच लेवल होता है आपका 7.35 to 7.45 तक ये आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो चेयरमैन होते हैं वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी 9 और भी सदस्य होते हैं जिसको नामित कौन करता है, तो प्रधानमंत्री ही मान्य अध्यक्ष नामित करता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका बोल्ट है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु इज द बिकम द विनर ऑफ द यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा सेकेंड टाइम से आपका यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। ये दोस्तों आपका आयोजित कहाँ हुआ था, ये आपका आयोजित MP में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, तो रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न क्लियर मिल नहीं पाया है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन के संबंधित हम लोग फैक्ट्स देखें तो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली ऑन सिमल्टेनियसली। ठीक है, तो रिडक्शन इसी को कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वन नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁹ इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यही अभी तक क्वेश्चन मिले हैं, बाकी और भी क्वेश्चन मिले हैं उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद
जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।